शामिल करते हैं न्यूज डेस्क से। 3 साला बच्ची पतंग के साथ फिजा में बुलंद। ताइवान में पतंग फेस्टिवल में बच्ची एक बड़ी पतंग की दुम में अटक गई। ताइवान में पतंगों के एक फेस्टिवल में इस वक्त लोग परेशानी का शिकार हो गए जब एक 3 साला बच्ची पतंग के साथ उलझकर फिजा में कई मीटर बुलंदी तक चली गई। अमरीकी खबर रसा इदारे एसोसिएटेड प्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक 3 साला नामालूम बच्ची इतवार को होने वाले पतंग फेस्टिवल में शरीक थी। जब एक बड़ी नारंगी रंग की पतंग फिजा में बुलंद की जाने लगी तो बच्ची उस पतंग की बड़ी दुम में फंस गई। कई मीटर्स तक फिजा में बुलंद होती चली गई। फेस्टिवल में मौजूद नौजवानों ने इस बच्ची को बचाने के लिए भागने लगे जबकि कई अफराद ने वीडियोस भी बनाई जो कि बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। वीडियोस में देखा जा सकता है कि पतंग के साथ बच्ची कई बार ऊपर नीचे होती रही। ताहम पतंग के नीचे आते ही नौजवानों ने बच्ची को पकड़कर उसकी दुम से आज़ाद किया। इस दौरान वहाँ मौजूद खातीन के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें भी आ रही हैं। मकामी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक बच्ची उस वाकये में महफूज रही और इसे किसी भी किस्म की बैरूनी ज़ख्म नहीं आए।